अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इन स्मार्ट प्रैक्टिकल्स। आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ एल्कली मेटल एम इन एल्कली मेटल कार्बोनेट एम टू सी ओ थ्री 5.3 ग्राम्स ऑफ विच आर डिजॉल्व्ड पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, एल्कली मेटल्स जो हैं ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। नॉर्मली टाइट्रेशन के लिए अगर आपको एल्कली मेटल कार्बोनेट दिया जाता है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास एल्कली मेटल या तो सोडियम होगी या फिर पोटेशियम होगी, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने और कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। सो बिफोर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल लेट्स हैव अ लुक एट द केमिकल इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एल्कली मेटल कार्बोनेट एंड वी गेट 2 मोल्स ऑफ मेटल क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड और बेस की रेशियो 2:1 है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज होगा और एंड पॉइंट में आपका येलो कलर रेड में चेंज हो जाएगा। अब आ जाएं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस में हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें ब्यूरेट, क्लैंप और स्टैंड, बीकर्स, कोनिकल फ्लास्क, फनल, ग्लास रॉड, पिपेट और पिपेट फिलर और ड्रॉपर इंक्लूडेड हैं। केमिकल्स में हमें वॉशिंग के लिए डिस्टिल्ड वाटर, एल्कली मेटल कार्बोनेट सॉल्यूशन चाहिए होगा, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन चाहिए होगा और इंडिकेटर के तौर पर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम ब्यूरेट को स्टैंड में सीधा फिक्स करेंगे, उसको एक बार वाटर से और दूसरी बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से रिंस करेंगे और उसके बाद हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन फिल करेंगे। फनल उतारने के बाद एसिड का लेवल 0 कैलिब्रेशन पॉइंट पे सेट करेंगे। हमने 0 पे सेट कर लिया है। अब हमारा ब्यूरेट टाइट्रेशन के लिए रेडी है। अब हम चलेंगे मेटल कार्बोनेट सॉल्यूशन की तरफ। पिपेट की मदद से हम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर एल्कली मेटल कार्बोनेट सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। अब इस एल्कली मेटल कार्बोनेट सॉल्यूशन में हम 2 से 3 ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे जिससे सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो जबकि एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। अब इस सॉल्यूशन को हम एसिड सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन के दौरान एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, फ्लास्क को कंटिन्यूसली स्वर्ल करेंगे और एसिड तब तक ऐड करेंगे जब तक येलो कलर ऑरेंज रेड में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके जी, ये देखें हमारा एंड पॉइंट आ गया है। हम फौरन से एसिड का एडिशन स्टॉप करेंगे और फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। आप एंड पॉइंट का कलर नोट कर लीजिए प्लीज। फाइनल रीडिंग इस वक्त हमारे पास 10 है। इस प्रैक्टिकल की रीडिंग नोट करने के बाद हम प्रैक्टिकल को 2 बार और रिपीट करेंगे और 2 मज़ीद रीडिंग्स लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है। हमारे पास इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग की 3-3 वैल्यूज़ होंगी। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम की 3 रीडिंग्स होंगी। इन तीनों रीडिंग से हम वॉल्यूम का मीन फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम की तीनों रीडिंग्स का मीन लेने के बाद हमारे पास एसिड का कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम आ जाएगा जिसको हम V1 से मेंशन करेंगे। एल्कली मेटल कार्बोनेट सॉल्यूशन चूंकि हमने पिपेट से लिया था सो इट्स वॉल्यूम विल बी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन वॉज अवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सो इट्स मोलैरिटी 0.1 मोलर। एल्कली मेटल कार्बोनेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी अननोन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स और एल्कली मेटल कार्बोनेट का 1 मोल यूज हो रहा है। इन वैल्यूज़ को मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू 0.05 मोलर आएगी। अब हम चलेंगे एल्कली मेटल के एटॉमिक मास की कैलकुलेशन की तरफ। उसके लिए हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ एल्कली मेटल कार्बोनेट डिसॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट इंटू फार्मूला मास ऑफ एल्कली मेटल कार्बोनेट। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमें पहले से स्टेटमेंट में गिवन है तो यहाँ पर हम 5.3 वैल्यू पुट करेंगे। मोलैरिटी 0.05 मोलर है।
अब जैसे कि हमें पता है कि अल्कली मेटल कार्बोनेट में हमें मेटल का मैस मालूम नहीं है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का मैस हमें मालूम है। सो एज सच 0.05 इंटू 2 इंटू एम, क्योंकि यहाँ पर एल्कली मेटल के दो एटम्स हैं इस एल्कली मेटल कार्बोनेट में, तो 2m वैल्यू आएगी। 12 इज द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एंड देर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स, सो वी मल्टीप्लाई 3 विद 16। तो ऑक्सीजन और कार्बन का मैस मिलके हमारे पास 60 आएगा। इसका मतलब है कि एल्कली मेटल कार्बोनेट का मैस 60 प्लस 2m है। इसी को भैया इनको रीअरेंज करें, 0.05 जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो वी गेट द आंसर 106। 60 इक्वेशन के एक साइड पे ऐड हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू 46। तो जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो 46 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 एटॉमिक मास यूनिट्स। 23 एटॉमिक मास यूनिट्स सोडियम मेटल का एटॉमिक मास है। इसका मतलब ये है कि आपकी एल्कली मेटल सोडियम मेटल है और आपका एल्कली मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है। अगर आपके पास आंसर में 23 के बजाय 39 एटॉमिक मास यूनिट्स आंसर आए, उस केस में आपकी मेटल पोटेशियम होगी और आपका एल्कली मेटल कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट होगा। आप अपना रिजल्ट अपनी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे।